Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, आज हम हैं अपने यहीं पर गोवंडी में और हम हैं नजीर भाई के साथ में. नजीर भाई को आप लोग ने पिछले भी वीडियोस में देखा होगा जो दुम्बो का काफी अच्छा कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं. इनके पास कुछ दुम्बे हैं, कुछ बकरे हैं. बकरों में कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से नस्ल के बकरे हैं, वो हम लोग जानेंगे नजीर भाई से. और दुम्बे कौन से हैं इनके पास वो जानेंगे, ठीक है. और ये सारे के सारे फॉर सेल है, ठीक है. तो आइए बात करेंगे नजीर भाई से. अस्सलाम वालेकुम नजीर भाई. नजीर भाई, ये अपने पास दुम्बो में कौन से नस्ल के दुम्बे हैं? पहली बात तो कस्टमर्स को, लोगों को ये बताएं कि अपना एड्रेस यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए. मुंबई गोवंडी डंपिंग रोड, गोवंडी में डंपिंग रोड, डंपिंग रोड प्लॉट नंबर भाई, एकदम आखिरी जहाँ पे ये ब्रिज खत्म होता है डंपिंग रोड का, उसी के साइड में लेफ्ट गली गई है, उसी के अंदर ये जो टेम्पू खड़ा है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, इसी के बाद लेफ्ट में आप गए, ये शौचालय बना है, शौचालय के बाजू में ही इनका जगह है. नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, लोकेशन आपको सेंड कर देंगे अगर आप कोई भी इनको कॉल करेगा तो, ठीक है. तो अभी हम लोग जानेंगे आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के दुम्बे है भाई. तुर्की नागोरी दोनों भाई. तुर्की और नागोरी. नागोरी में छोटी दुम आती है ना, पूछ आती है हल्की सी, और तुर्की में दुम नहीं होती है जैसे कि ये वाला है. और तुर्की में जैसे ये वाला है, इसकी थोड़ी सी दुम दिख रही है, नागोरी वाला. ये तुर्की में आ गई. अच्छा, तुर्की में बड़ी शाक है ना. ओके, ठीक है. तो बेटा थोड़ा और पीछे कर रहे. और बकरे कौन कौन सी ब्रीड में अपने पास? बाकी बेचने के लिए गुजरी पांच बच्चे हैं, बाकी अकीका नियाज के लिए चाहिए तो वो भी मिलते हैं अपने पास. अच्छा, तो गुजरी में पांच बच्चे है. पिछली बार अपन ने वीडियो बनाए तो ज्यादा थे ना, 12-13 तो अभी कुछ सोल्ड आउट हुआ उसमें से, ठीक है. एक वो दुम्बा भी है, फोर सेल है वो. हाँ, फोर सेल है, 100 किलो वजन है इसका. और ये 45 किलो वजन है वो. 100 किलो का है वो. हाँ, ये दो दांत अभी निकाल रहा भाई. हाँ, दांत मत दिखाओ. निकाल रहा है अभी, दो दांत फ्रेश कर रहा है वो. अभी मैंने देखा, मैंने आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा है क्योंकि अलाउड नहीं है. दो दांत फ्रेश कर रहा है वो, ठीक है. बकरे सारे फिट एंड फाइन है भाई. हाँ नासिर भाई, बकरो सब ओके. इसमें जो नियाज नजर वाले जो है वो कौन से है? वो चार, एक दो तीन, और एक जो बड़े बड़े वाले बोल रहे हैं क्या? हाँ. और जो छोटे छोटे वाले वो साले तो वो सब अच्छी नस्ल के गुजरी है जो पालने वाले है ना. ये मादी है 3 महीने की गाभन है, और ये मादी है ये 1 महीने की गाभन है. अच्छा, ओके. काली वाली 1 महीने की गाभन है, 3 महीने की. ओके, अच्छे बारी मेरे से लगी है. बकरों का ये रेट क्या आप कोट कर रहे हो? रेट जैसा मतलब माल, मतलब जैसा कस्टमर मांगे वो हिसाब से अपन बोलते हैं. कस्टमर तो कुछ भी मांगेगा, तो कुछ भी मांगने से मिलता भी तो नहीं. वही बोल रहा हूँ ना कि अपना क्या रेट रहता है, कीमत है. अभी जैसे ये माल है, ये माल अपन 80-85 हजार रूपए कीमत करते, जो 100 किलो वाला है. हाँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हाँ, दे देते, क्योंकि कस्टमर के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे तो कस्टमर कुछ भी बोलेगा, अनाप शनाप भाव. हाँ, और अपने बात ही नहीं करते. हाँ, इसीलिए माल धन की कीमत करो, सामने आ जाओ, दो बात में माल देख के सौदा कर लो. हाँ, अगर लंबा है तो फिर कॉन्टेक्ट करो ना, फोटो वीडियो पे धंधा अपन करते, ऐसा नहीं नहीं करते. और काम आज से नहीं, आप काफी टाइम से कर रहे हो? मेरे बचपन से कर रहा था. ठीक है. और ये नजीर भाई को आप लोग ने हर हमेशा ज्यादातर मेरे वीडियो में देवनार के अंदर भी देखा होगा, देवनार में भी काफी टाइम देते हैं, ठीक है. तो फोटो वीडियोस अगर आप काफी दूर से हो तो मैं ये बोलूंगा कि किसी अपने रिलेटिव या किसी अपने दोस्त यार को यहाँ पे भेज के बकरे दिखवा ले, देख ले, तसल्ली कर ले, फिर ले. नजदीक हो तो आके देखो और लो, है ना. माल में फॉल्ट रहेगा तो कभी नहीं दूंगा भाई, एकदम बता दूंगा साफ साफ. हाँ, जैसा है एकदम ऑनेस्टली ये बता देंगे कि भाई पास माल में ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तबीयत सही नहीं है बकरे की, मतलब बराबर नहीं है, पैरों में कुछ हो गया, खुर में कुछ हो गया, जो भी है वो सारी चीजें आप ये बता के देंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी आप लोग अगर ज्यादातर अगर आप कोशिश करिए कि आके देखें, और भी वेराइटीज देखने को मिल जाती है, बकरे भी काफी है इनके पास, है ना नजीर भाई. हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है. तो अभी अभी टोटल अपने पास कितने लॉट है? 10 दुम्बे है, जिसमें से दो बच्चे बिके हुए हैं, वो नागोरी बच्चे. अच्छा, ये दो बाल छिले नहीं है ना. हाँ हाँ, अच्छा. ये दो बच्चे बिके हुए बिके हुए हैं. और बकरे कितने अपने पास? बकरे 11 है टोटल, जिसमें से नियाज नजर वाले कितने बता रहे हो? अभी बड़े वाले 4 है. बड़े वाले 4, मतलब नियाज नजर के लिए ये अच्छे है. ओके, और बाकी जो छोटी नस्ल के जो गुजरी है, जो छोटे वाले है, ये पालने वाले, ये क्या भाव में देंगे आप अंदाजन?
वो एकदम 12,000 रुपए से फाइनल रेट है। 12,000 की पट्टी के सिंगल का भी 12,000? नहीं, सिंगल ले चाहे पट्टी ले ले, 12,000 के रेट में। 12,000 के रेट में 5 बच्चे, ठीक है। तो गाइस ये सारा मतलब इनके पास टोटल अभी ये बकरे और दुम्बे मिला के कितने का, कितने टोटल है? 21 जानवर है, ठीक है। तो गाइस टोटल 21 बकरे हैं इनके पास, और जो कि माशाल्लाह जिसमें दुम्बे हैं और काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी में हैवी वेट दुम्बा भी है इनके पास। 100 किलो के ऊपर का भी एक दुम्बा है, 2 मादी है जो कि लोडेड है और अच्छे नर से मतलब किया गया है। तो माशाल्लाह क्वालिटी वाइज अच्छे है। और इसमें अगर न्याज नजर के लिए किसी को चाहिए हो हकीके के लिए या न्याज के लिए, तो ये 4 बड़े बकरे जो कि ये अवेलेबल है फॉर सेल। और बाकी जो छोटे छोटे हैं गुजरी में, ये भी ये पालने लगे, अगर किसी को पालना हो तो ये सारे अच्छी क्वालिटी में है। किसी को चाहिए हो तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट करें, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दे दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ चलो ना, चलते ही है वैसे भी वीडियो एंड ही करने का ना। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। नजीर भाई का काफी टाइम से ये इस का धंधे में है, मेन ज्यादातर मेन फोकस इनका दुम्बो का रहता है, मेन ज्यादा काम बड़ा काम है इनका दुम्बे का, ठीक है। तो नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो नजीर भाई से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। बकरे आप देख सकते हो माशाल्लाह सारे अच्छे खासे, चलने वलने में खाने वाने में अच्छे है, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।